मीरावन री कोयली कोई राणो वन रूठू समझाई समझो भजन में लिखे के मीरा बनरी कोयली राणो बनरो ठूंठ और समझाई समझियो नहीं नितर ले जाती वैकुंठ। कहीं लिखे ए हा ए कठे घड़ायो गजरो ने कठे घड़ायो बाजू
बाजू बाजू हाथ में पैरू गजरो गाया में पैरू बाजू बाजू ज्यादा कीबोर्ड बजाओ थे मनी गावन दो एक बार नारायण भाई के लिए जोरदार ताली बजाइए जो मेरे साथ में जो मेरे ग्रुप के बंदे हैं जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं क्योंकि मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती ये जो मेरे साथ में मेरे से कार्य करता है एक तरह से और इनका बहुत सपोर्ट है और मैं चाहती हूँ कि खूब तरक्की करें आप और पहले मैं भी सबका भला हो शुरुआत मुझसे हो सबका भला हो लेकिन शुरुआत मुझसे हो बड़े प्रेम के साथ में बोलेंगे बोलिए सीताराम सीताराम बोलिए बागेश्वर बालाजी महाराज की क्योंकि कलयुग में और कोई देवता सुने ना सुने लेकिन हनुमान जी महाराज जरूर सुनते हैं जब देवी देवता का अगर कहीं पर पहुंच नहीं पहुंचती है उनकी शक्ति अगर काम नहीं करती है तो उस समय एक हनुमान जी महाराज है बालाजी सरकार है जो आपकी विनती सुनते हैं और आपका काम करते हैं बोलिए सीताराम हाँ एक कण में पैरू गजरो एक कण में पैरू बाजू बाजू एक कण में पैरू गजरो एक कण में पैरू बाजू एक कण में पैरू रे राम तारी मुंडली चीटू पैरू रे हरि तारी मुंडली देखिए अपने भारत में जो अपने हिंदू धर्म का जो एकदम कट्टर समर्थक बोले तो वो है बागेश्वर धाम के गुरुजी धीरेंद्र जी गर्ग जी एक बार जोरदार ताली बजाइए उनके लिए वो खुद कहते हैं कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ मैं कोई जादूगर नहीं हूँ मैं भी आपके जैसा इंसान हूँ मेरा काम तो सारा मेरे बालाजी करते हैं और उन्होंने ये भी बात कही है कि आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है कि आप आए फिर मैं आपका पर्चा पढूं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप तो अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो सीधे बागेश्वर धाम जाइए और बालाजी को अर्जी लगा दीजिए आपका काम हो जाएगा अन थारी कोई पोल पट्टी खोलनी है तो मार्ग ने आ जाओ मंच माते पचे कही जो मत कि ये वीडियो डिलीट करो हाँ फिर मेरे को कॉल मत करना तो अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा तो मैं भी इस मंच से ये कह रही हूँ भाई साहब ये मेरा अनुभव है कि अगर जो व्यक्ति उनके शरण में गया है उनको अगर दिल से माना है तो आपके काम कैसे हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि करने वाले वो बैठे हैं तो हम क्यों टेंशन करें इसलिए टेंशन छोड़ दी जो होगा वो देखा जाएगा कि जावे सो अपना नहीं और अपना सो जावे नहीं बोलिए सीताराम बोलिए बागेश्वर बालाजी महाराज की हे की कण बाजे गजरो ने की कण बाजे बाजू बाजू किकण बाजे मैं बोल रही हूँ बजाओ किकण बाजे किकण बाजे किकण बाजे किकण बाजे किकण बाजे क्या बात है मुकेश भाई बजाइए किकण बाजे 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 गजरो ने किकण बाजे बाजू बाजू
ए छम 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 बाजे गजरो रुण झुण बाजे बाजू बाजू हे प्यू प्यू हाँ हे प्यू 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 हे प्यू प्यू बोले रामदारी मुंदडली प्यू प्यू बोले रे हरिदारी मुंदडली प्यू प्यू बोले रे रामदारी मुंदडली घर में लक्ष्मी किरकिर है सीता राम बोलो एक बार सीता है कि नहीं है घरे है राधा है कि नहीं है राधा है रुक्मणी है घरे हाँ राधा है तो बस घर आधा ही जाओला सीता राम राधेश्याम उमापति महादेव है नाम जो जिन्होंने भक्ति किए प्रेम भक्ति किए उनका नाम अमर हो गया पत्नी भले रुक्मणी जी लेकिन नाम राधा का क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से प्रेम किया गोपियों ने निस्वार्थ भाव से प्रेम किया 16,000 गोपियों को कैद से कृष्ण भगवान ने छुड़वाया था उस समय उन गोपियों ने कृष्ण भगवान को अपना रक्षक अपना पति मान लिया था तो वो उनका निस्वार्थ भावना का प्रेम था है इसलिए क्या लिखा राधे श्याम क्योंकि प्रेम जगत में अमर है खाया पिया खर्चिया दान दिया जो साथ अने जसवंत धरणी पोड़िया भाई माल पराए हाथ जो दान देंगे ना साथ में वही चलने वाला वरना करोड़ों की संपत्ति बेटा मौज करी बेटा कहे मारे बाप रही है थोड़ा दिन बाद में पोता कहे कि मारे बाप रही है आपने तो भूल जाई चौथी पीढ़ी का नाम याद नहीं है आज के बच्चों को है हम भाई मोकम पुरारी धरती रो अलग नहीं है मैं तो मने ठा नहीं नाराज मत रह जो हाँ तो जिन जिनके घर में सीता एक बार जरा दोनों हाथों को ऊपर उठाइए कई कर रहा अटी बैठा हुआ कटे हाथ ऊपर करो एक बार सभी लोग कठे गड़ायो गजरो हरी थारी मुंदडली